हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर अमेजिंग सेशंस ऑफ टॉपर्स बायोलॉजी। बच्चों, जैसे आप जानते हो कि टॉपर्स बायोलॉजी में अभी हम स्टैंडर्ड 12 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मतलब ये जो चैप्टर के हमने 5 to 6 वीडियो लेक्चर अपलोड किए हुए हैं। सो आप, मैंने नीचे लिंक दी हुई है, अगर कोई बच्चे का कोई वीडियो लेक्चर मिस हो गया है तो आप उस लिंक के थ्रू उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हो। अभी जैसे हम लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ आरएनए के बारे में चैप्टर स्टार्ट किया था, तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है ट्रांसफर आरएनए। बच्चों, जैसे आप जानते हो कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए, अलग अलग तरह के आरएनए होते हैं। तीन तरह के हमारे आरएनए होते हैं, एक होता है हमारा मैसेंजर आरएनए, दूसरा होता है हमारा ट्रांसफर आरएनए और तीसरा होता है हमारा राइबोसोमल आरएनए। ये तीन अलग अलग तरह के आरएनए होते हैं। अब याद रखना है, ये तीनों आरएनए का काम अलग अलग होता है, बट ये आरएनए बनते कहाँ पे है और आरएनए बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं। तो जो आरएनए बनने की जो प्रोसेस होती है, चाहे वो मैसेंजर आरएनए हो, चाहे वो आपका ट्रांसफर आरएनए हो या आपका राइबोसोमल आरएनए हो, तीनों आरएनए न्यूक्लियस के अंदर ही बनते हैं। प्लीज रिमेम्बर, तीनों आरएनए आपके न्यूक्लियस के अंदर बनेंगे और ये जो आरएनए बनने की जो प्रोसेस होती है, मींस के सिंथेसिस ऑफ आरएनए इज नोन एज अ ट्रांसक्रिप्शन। सो दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। सो ट्रांसक्रिप्शन कहां पे होता है? ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर होता है और डीएनए टेम्पलेट पे होता है। अब ये तीनों तरह के आरएनए के बारे में और इनके स्ट्रक्चर के बारे में जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने देखा कि जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, ये जो हमारा चैप्टर है, यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? तो यहाँ पे हम डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे, जो हमने पढ़ लिया है। फिर रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, सिंथेसिस ऑफ डीएनए। फिर हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन एंड देन हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो ट्रांसलेशन को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको आरएनए के बारे में मालूम होना चाहिए। आरएनए का स्ट्रक्चर, अलग अलग तरह के जो आरएनए है उनका काम क्या है, वो आपको मालूम होना चाहिए। सो इसके लिए हम अलग अलग वीडियो लेक्चर में हम अलग अलग टाइप के आरएनए के बारे में बात करेंगे। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है आपका टीआरएनए, या तो जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। अब एक चीज याद रखो, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसफर आरएनए। नाउ ट्रांसफर आरएनए को हम एसआरएनए भी बोलते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि व्हाई इट इज कॉल्ड एसआरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए को हम एसआरएनए भी बोलते हैं। सो व्हाई इट इज कॉल्ड एसआरएनए, तो सिंपल आप देखो, ट्रांसफर आरएनए कैसा होता है आपका? सो इट इज स्मॉल एंड सोल्यूबल मॉलिक्यूल। इट इज स्मॉल एंड सोल्यूबल। जो आपका ट्रांसफर आरएनए का जो मॉलिक्यूल होता है वो छोटा मॉलिक्यूल होता है और सोल्यूबल मॉलिक्यूल होता है। स्मॉल होता है, बहुत ही छोटा मॉलिक्यूल होता है, और सोल्यूबल मॉलिक्यूल होता है। देयरफॉर ट्रांसफर आरएनए इज आल्सो नोन एज एसआरएनए, इसको हम एसआरएनए भी बोलते हैं। अंडरस्टूड? नाउ अब दूसरा हम देखते हैं। तो एक तो हमको मालूम पड़ गया, याद रखना है बच्चों के आपको बोर्ड के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रांसफर आरएनए के बारे में। आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ट्रांसफर आरएनए। तो कुछ बेसिक फीचर्स को अंडरस्टैंड कर लो, कुछ स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर लो और उसके फंक्शन को समझ लो, देन इट इज मोर देन इनफ। नाउ
तो फर्स्ट हमने क्या देखा कि जो ट्रांसफर आरएनए होता है वो आपका स्मॉल होता है और सॉल्युबल होता है, इसके लिए इसको हम एसआरएनए भी बोलते हैं। नाउ आरएनए किससे बने होते हैं, तो आरएनए न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। सो प्लीज आरएनए एक्चुअली क्या है, तो इट इज राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। आरएनए क्या है आपका, राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। सो अब आप देखो तो ये किससे बना है आपका, न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं, बट ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, तो ये 100 से भी कम न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं, मींस कि इट इज कंसिस्ट्स ऑफ लेस देन 100 न्यूक्लियोटाइड्स। ये 100 से भी कम न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं, समझ लो ना कि 79 से लेके 90 न्यूक्लियोटाइड टीआरएनए मॉलिक्यूल के अंदर होता है, मतलब के 79 से लेके 90 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं एक टीआरएनए मॉलिक्यूल के अंदर। नाउ इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें, आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आप देखोगे ना तो दिस इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। आरएनए अलग अलग तरह का होता है, जैसे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर भी हो सकता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी हो सकता है, टर्सरी स्ट्रक्चर भी हो सकता है। सो दिस इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए या तो ट्रांसफर आरएनए। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्लोवर लीफ। क्लोवर लीफ एक पत्ते जैसा होता है, टू डायमेंशनल होता है, बराबर, टू डी स्ट्रक्चर होता है। तो ये पत्ते जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोवर लीफ। अब आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो ट्रांसफर आरएनए का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, इट इज लाइक अ क्लोवर लीफ। सो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये किसने प्रपोज किया था, मतलब किसने बताया था, तो क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए ये किसने एक्सप्लेन किया था। तो याद रखना ये क्वेश्चन आपको नीट की एग्जाम में पूछा गया है, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। सो दिस स्ट्रक्चर वॉज प्रपोज बाय आर डब्ल्यू हॉली। कब प्रपोज किया था, 1965 में, मतलब एक्सप्लेन किया था कि क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए वॉज एक्सप्लेन बाय आर डब्ल्यू हॉले इन 1965। सो दिस क्वेश्चन मस्ट बी आस्क इन योर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज इन योर नीट एग्जाम। ये आपकी बोर्ड की एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और नीट की एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि ट्रांसफर आरएनए का फंक्शन क्या होता है, क्यों इसको हम ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं। तो अब आप देखो कि ये हमारा सेल है, दिस इज द सेल, और ये हमारा, मतलब यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, तो ये हमारा न्यूक्लियस है। अब जैसे आप जानते हो कि न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है आपका डीएनए, जिसके पास जीनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। जीनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब के हमारे सेल के अंदर जो भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है या तो जो बायो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, वो सारी एक्टिविटी कंट्रोल कहाँ से होती है, न्यूक्लियस में से कंट्रोल होती है। और उसमें हमारे सेल के अंदर जितने भी तरह के प्रोटीन बनते हैं, वो सारे प्रोटीन का जो कोड होता है, जो ट्रिपलेट कोडोन होता है, वो डीएनए के पास होता है। तो डीएनए कहाँ पे होता है आपका, न्यूक्लियस के अंदर। अब डीएनए कभी भी न्यूक्लियस में से साइटोप्लाज्म में नहीं जा सकता है। सो इन यूकैरियोटिक सेल डीएनए इज ओनली कन्फाइंड टू न्यूक्लियस। अब हमारा राइबोसोम कहाँ पे होता है, तो राइबोसोम हमारा साइटोप्लाज्म में होता है। अब हमने आगे वाली क्लासेस में हमने पढ़ा होगा, 10th में हमने पढ़ा है कि राइबोसोम वो जगह होती है जहाँ पे प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन कहाँ पे सिंथेसिस होगा, राइबोसोम पे। तो ये हमारा राइबोसोम हो गया। मैं आपको बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ बच्चों, जिसे आप एकदम इजीली अंडरस्टैंड कर जाओगे। तो ये हमारा राइबोसोम है जहाँ पे प्रोटीन बनता है। अब प्रोटीन क्या होता है, तो प्रोटीन
बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़ने के बाद एक एमिनो एसिड की लंबी चेन होती है, बरोबर, जिसको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। तो ये एक लंबी चेन होती है, उस लंबी चेन को हम बोलते हैं प्रोटीन। सो प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स। अलग अलग एमिनो एसिड जुड़ के आपका प्रोटीन बनता है। जैसे एग्जांपल कि ये हमारा एक एमिनो एसिड से मिथियोनाइन, ये हमारा एक दूसरा एमिनो एसिड से ल्यूसीन, ये दोनों जुड़ जाएंगे। मैं तो यहाँ पे जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारे एमिनो एसिड्स होते हैं, ये दोनों जुड़ जाते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से, तो एक स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम बोलते हैं प्रोटीन। ये कहाँ पे बनता है? राइबोसोम पे बनता है। अब ये जो मिथियोनाइन है और ये जो ल्यूसीन है, ये कहाँ पे होंगे? तो आप देखो, तो जो मिथियोनाइन है जिसको हम बोलते हैं MET, ल्यूसीन है जिसको हम बोलते हैं LEU, ल्यूसीन, ये कहाँ पे होंगे? ये होंगे तो साइटोप्लाज्म में, मतलब यहाँ पे हमारे एक एमिनो एसिड पूल है, इसको हम बोलेंगे एमिनो एसिड पूल, जहाँ पे बहुत सारे एमिनो एसिड्स होते हैं। अब पर्टिकुलर एमिनो एसिड को, मिथियोनाइन को, भाई आपको प्रोटीन बनाने के लिए मिथियोनाइन की जरूरत पड़ गई, ये मिथियोनाइन को यहाँ से राइबोसोम पे जो मैसेंजर आरएनए है वहाँ तक कौन पहुँचाएगा? ट्रांसफर आरएनए। तो ये ट्रांसफर आरएनए यहाँ से यहाँ तक पहुँचाएगा, जो मैसेंजर आरएनए तक पहुँचा देगा, कौन पहुँचाएगा? tRNA। तो मालूम पड़ गया tRNA का फंक्शन क्या होता है। तो tRNA कैरीज एमिनो एसिड्स, कहाँ से कैरी कर रहा है? फ्रॉम साइटोप्लाज्म से। सो tRNA कैरीज स्पेसिफिक एमिनो एसिड्स, प्लीज रिमेंबर स्पेसिफिक एमिनो एसिड्स, मतलब स्पेसिफिक एमिनो एसिड मतलब क्या होता है कि जो मिथियोनाइन है, तो मिथियोनाइन को एक स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए ही कैरी करेगा। फिर वो जो tRNA है जो मिथियोनाइन को कैरी कर रहा है, वो ल्यूसीन को कैरी नहीं कर सकता है, वो ल्यूसीन को कैरी नहीं कर सकता है। मींस के देर आर स्पेसिफिक एमिनो एसिड, सॉरी, देर आर स्पेसिफिक ट्रांसफर आरएनए फॉर ईच एमिनो एसिड्स। अलग अलग एमिनो एसिड के लिए अलग अलग ट्रांसफर आरएनए होते हैं। ये आपके दिमाग में हो गया, आई थिंक आपको अच्छी तरह से मालूम पड़ गया होगा। नाउ, तो ये मिथियोनाइन या तो ल्यूसीन को यहां से, मतलब के साइटोप्लाज्म से मैसेंजर आरएनए तक पहुंचाने का काम होता है ट्रांसफर आरएनए। तो फंक्शन क्या हो गया बच्चों? तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ट्रांसफर आरएनए, तो आप बोल सकते हो कि ट्रांसफर आरएनए कैरीज, क्या कैरी कर रहा है? सो ट्रांसफर आरएनए कैरीज स्पेसिफिक एमिनो एसिड, वो स्पेसिफिक एमिनो एसिड को कैरी कर रहा है। कहां से? फ्रॉम एमिनो एसिड पूल टू द मैसेंजर आरएनए ऑन राइबोसोम। मतलब ट्रांसफर आरएनए जो एमिनो एसिड का एक बहुत बड़ा खड्डा होगा, उसमें से स्पेसिफिक एमिनो एसिड को पकड़ के वो राइबोसोम पे जो मैसेंजर आरएनए है उसको दे देता है। क्यों देता है? फॉर प्रोटीन सिंथेसिस या तो फॉर ट्रांसलेशन, सिंपल। तो क्या फंक्शन होगा? तो ट्रांसफर आरएनए कैरीज स्पेसिफिक एमिनो एसिड फ्रॉम एमिनो एसिड पूल टू द मैसेंजर आरएनए ऑन राइबोसोम फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। सो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए। या तो मतलब आपको एक ही आंसर में तीन क्वेश्चन के आंसर आपको मिलते हैं। एक कि व्हाट इज ट्रांसफर आरएनए, तब भी आप ये लिख सकते हो। दूसरा, व्हाई tRNA इज नॉन एज अ ट्रांसफर आरएनए, तब भी आप ये आंसर लिख सकते हो। या तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रांसफर आरएनए, तब भी आप ये लिख सकते हो। चलो, तो ये तो हमको tRNA के बारे में मालूम पड़ गया। नाउ, जैसे हमने देखा कि जो क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर होता है tRNA का, तो इसमें चार अलग अलग रीजन होते हैं। सो देर आर फोर डिफरेंट रीजन, चार अलग अलग रीजन होते हैं। याद रखो, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर ऑफ tRNA, उसकी हम बात करते हैं। तो ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर है बच्चों tRNA का। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लो, क्योंकि यहाँ से आपको नीट में क्वेश्चन आता ही है। इसका स्ट्रक्चर पूछ दिया जाएगा आपको,
और लेबलिंग आपको बताना होगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि भाई कैरियर एंड, तो यहाँ पे ए लिखा होगा। फिर ये जैसे को एंटी कोडोन लूप, तो यहाँ पे बी लिखा होगा। फिर ये जैसे आपका है कि राइबोसोम साइट, तो यहाँ पे सी लिखा होगा। तो आपको बताना है, ऑप्शन नीचे ऑप्शन दिए होंगे कि भाई ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है। सो लेबलिंग अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अगर आप ड्रॉ नहीं कर पाते हो कोई बात नहीं, क्योंकि वो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, बट अंडरस्टैंड डायग्राम को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना जरूरी है नीट के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो ट्रांसफर आरएनए होता है इसमें चार अलग अलग रीजन होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैरियर एंड की। तो फर्स्ट जो हमारा रीजन होता है वो होता है हमारा, चार रीजन होते हैं, तो फर्स्ट रीजन होगा हमारा कैरियर एंड, बराबर, कैरियर एंड। तो अब आप देखो ये हमारा कैरियर एंड है। सुनाओ, ये ट्रांसफर आरएनए है, तो ये थ्री प्राइम है, दिस इज द थ्री प्राइम, और ये हमारा फाइव प्राइम है, बराबर। तो कैरियर एंड क्या होगा, तो आप देखोगे तो जो ट्रांसफर आरएनए, सो कैरियर एंड, सो थ्री प्राइम साइड ऑफ, थ्री प्राइम साइड ऑफ द ट्रांसफर आरएनए इज नोन एज अ कैरियर एंड। प्लीज रिमेंबर, यहां से आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ट्रांसफर आरएनए का जो थ्री प्राइम एंड होता है, थ्री प्राइम एंड, उसको हम बोलते हैं कैरियर एंड, कैरियर एंड। व्हाई इट इज कॉल्ड कैरियर एंड, बिकॉज ट्रांसफर आरएनए का काम क्या होता है, एमिनो एसिड को कैरी करना, एमिनो एसिड पूल में से एमिनो एसिड को पकड़ के मैसेंजर आरएनए तक लेके जाना। तो जो एमिनो एसिड्स होता है वो ट्रांसफर आरएनए में कहाँ पे अटैच होता है, तो थ्री प्राइम एंड, जो कैरियर एंड होता है यहाँ पे एक्चुअली हमारा एमिनो एसिड अटैच होता है। इसके लिए इसको हम कैरियर एंड बोलते हैं, या तो एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट भी बोलते हैं, एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट, इट इज ऑल्सो नोन एज अ एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट। तो ये कहां पे होगा, थ्री प्राइम एंड पे होगा। नाउ अब ये जो एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट होते हैं, बराबर, यहां पे अलग अलग एमिनो एसिड अटैच होते हैं, अलग अलग एमिनो एसिड यहां पे अटैच होते हैं। नाउ बट सारे जैसे मैंने आपको बताया कि जो ट्रांसफर आरएनए होते हैं वो स्पेसिफिक एमिनो एसिड को ही कैरी करते हैं। मिथियोनाइन को समझो कि ए ट्रांसफर आरएनए कैरी करेगा, तो ल्यूसिन को बी ट्रांसफर आरएनए कैरी करेगा। बट जो थ्री प्राइम, जो एमिनो एसिड बाइंडिंग साइड होते हैं, कोई भी ट्रांसफर आरएनए हो, कोई भी ट्रांसफर आरएनए, उसमें आपकी एक ट्रिपलेट बेस होती है, ट्रिपलेट बेस होती है, वो होती है हमारी सी सी ए, साइटोसिन साइटोसिन एडीनाइन। हर एक ट्रांसफर आरएनए के अंदर यही होगा, यही बेस होगी, यही ट्रिपलेट बेस होती है ईच एंड एवरी ट्रांसफर आरएनए में, यही होगा। और उनके साथ हमारा एक एल्कोहल ग्रुप जुड़ा होगा, एल्कोहल ग्रुप जुड़ा होता है। कोई भी ट्रांसफर आरएनए होगा उसकी जो थ्री प्राइम जो एंड है, जिसको हम बोलते हैं कैरियर एंड, वहां पे एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल होगा, एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल होगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो एमिनो एसिड्स होता है वो कैरियर एंड पे अटैच होता है। तो एमिनो एसिड का जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वो ट्रांसफर आरएनए का जो थ्री प्राइम एंड पे जो एल्कोहल ग्रुप होता है उसके साथ अटैच होता है। तो कौन सा, सो कार्बोक्सिल ग्रुप, सो कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड इज अटैच विद द एल्कोहल ग्रुप ऑफ ट्रांसफर आरएनए एट थ्री प्राइम एंड, थ्री प्राइम एंड। तो ये हो गया हमारा कैरियर एंड। अब आप देखो कैरियर एंड के ऑपोज में, कैरियर एंड के ऑपोज में आपकी रिकॉग्निशन एंड होता है। तो हमारा दूसरा क्या होता है, रिकॉग्निशन एंड, रिकॉग्निशन एंड। ये कहां पे होता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो कैरियर एंड के, ट्रांसफर आरएनए का जो कैरियर एंड होता है उसकी ऑपोजिट साइड्स को हम बोलते रिकॉग्निशन एंड, या तो जिसको हम बोलते एंटी कोडोन लूप, एंटी कोडोन लूप। तो ये हमारा एंटी कोडोन लूप है, दिस इज द एंटी कोडोन लूप।
अब ये जो एंटी कोडोन लूप होता है या तो रिकोगिनेशन एंड होता है या पे अनपेयर न्यूक्लियोटाइड्स होती है, अनपेयर न्यूक्लियोटाइड्स होती है। जैसे आप देखो जी जी सी, ये तो अभी जुड़ा हुआ है मैसेंजर आरएनए के साथ जुड़ा होता है, बट ऐसे होता है कि जैसे कि हमारा ये हो गया हमारा रिकोगनेशन एंड, तो यहाँ पे अनपेयर न्यूक्लियोटाइड्स होती है, अनपेयर न्यूक्लियोटाइड्स होती है, जैसे कि जी जी सी अनपेयर होता है, मतलब यहाँ पे कोई पेयर नहीं है, बराबर, यहाँ पे कोई पेयर नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे एंटीकोडोन। नाउ इसकी जो बेस पेयर होती है, इसकी जो मतलब ये जो अनपेयर जो बेसिस है न्यूक्लियोटाइड, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस कहाँ पे होगी, मैसेंजर आरएनए पे होगा। तो ये देखो हमारा मैसेंजर आरएनए, तो ये हमारा एक मैसेंजर आरएनए है, बराबर, तो इसकी जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस होगी, मतलब जी किसके साथ ज्वाइंट होगा, सी के साथ, साइटोसिन के साथ, साइटोसिन और सी जी के साथ, और ये हमारा समझो AD9 है और ये हमारा यूरेसिल है। तो अब आप देखो, तो जो एंटीकोडोन लूप जो रिकॉग्निशन साइट होता है वहां पे जो 3 अनपेयर बेस न्यूक्लियोटाइड्स होती है उनकी जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस होती है वो मैसेंजर आरएनए पे होती है, जैसे कि जी तो साइटोसिन, सी तो जी, मैसेंजर आरएनए। तो ये जो है जो मैसेंजर आरएनए पे इनकी जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस होगी इनको हम बोलेंगे कोडोन, और ये जो है इनको हम बोलेंगे एंटीकोडोन। सो जो ट्रांसफर आरएनए का जो एंटीकोडोन होता है वो अपनी बेस, वो ट्रांसफर आरएनए किसके साथ ज्वाइंट होगा, मैसेंजर आरएनए के साथ ज्वाइंट होगा, कहां पे, राइबोसोम पे। तो ट्रांसफर आरएनए का जो रिकॉग्निशन साइट होती है वहां पे जो अनपेयर जो राइबोन्यूक्लियोटाइड होती है, बराबर, वो अपनी कॉम्प्लीमेंट्री मतलब मैसेंजर आरएनए पे अपनी कॉम्प्लीमेंट्री बेस को रीड करेगा एंड देन अपनी कॉम्प्लीमेंट्री बेस के अकॉर्डिंग उसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा। अगर गोनाइन है तो साइटोसिन के साथ ज्वाइंट होगा, और अगर समझो यहाँ पे हमारा यू होता तो वो यहाँ पे किसके साथ ज्वाइंट होता, ए के साथ, AD9 के साथ। तो ये हो गया। नाउ दूसरी जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं एंजाइम साइट, मतलब तीसरी जो हमारी साइड होगी वो होगी एंजाइम साइट, या तो जिसको हम बोलते हैं डी लूप। अब ये जो एंजाइम साइट होते हैं यहां पे स्पेसिफिक एंजाइम होता है, यहां पे एंजाइम साइट ट्रांसफर आरएनए की जो एंजाइम साइट होती है वहां पे स्पेसिफिक एंजाइम होता है। ये एंजाइम क्या करता है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो ट्रांसफर आरएनए है वो एमिनो एसिड को लेके जाता है, मतलब ट्रांसफर आरएनए के साथ एमिनो एसिड अटैच होता है, तो इनका जो एक्टिवेशन होता है, बराबर, उसको कैटालाइज करता है। तो यहाँ पे एंजाइम साइट पे जो स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं दे कैटालाइज द एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड विथ ट्रांसफर आरएनए के साथ वो करता है। नाउ दूसरी जो साइट होती है वो होती है हमारी राइबोसोम साइट, या तो जिसको हम बोलते हैं TCC लूप। तो राइबोसोम साइट, ये जो साइट होती है तो ट्रांसफर आरएनए इसी जगह से राइबोसोम के साथ अटैच होगा, मतलब इसके लिए इसको हम बोलते हैं राइबोसोम साइट, या तो राइबोसोम बाइंडिंग साइट। जो ट्रांसफर आरएनए राइबोसोम के साथ जो अटैच होता है वो इस साइट से होता है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड राइबोसोम बाइंडिंग साइट। और एक एडिशनल साइट भी होती है जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल लूप। सो बच्चों आज जो हमने देखा वो हमने देखा ट्रांसफर आरएनए या तो tRNA। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर नीट एग्जाम, आपकी जो पर्टिकुलर जो सेट की एग्जाम है उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, इवन आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सो जो भी आपके कमेंट्स हैं आपके कमेंट्स कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, आपको आज का वीडियो लेक्चर कैसा लगा, आपके कोई सजेशन है वो भी आप लिख के भेज सकते हो।
अगर आप मेरी चैनल के लिए नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे जितने भी आने वाले वीडियो लेक्चर है या तो जो हमारी नीट बायोलॉजी क्वेश्चन सीरीज के जो इम्पोर्टेंट PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो पढ़ते रहिए, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।